Hello everybody. Hi, very good afternoon to all of you. How are you guys doing? Quickly do let me know. क्या हाल चाल है सारे विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, अभ्यर्थिनियों का? बहुत बहुत स्वागत है सभी का. मैम शिष्टांग दंडवत प्रणाम. अरे 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 क्या बात है. हाय चिरंजीव मैम, मेरा हाजिरी कबूल हो. चलिए बहुत बहुत शानदार. टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत कोई डाउट? होमवर्क क्वेश्चन का पहले तो आंसर दे दो. जो लास्ट क्लास में डिस्कस करे ही थे तो उसको डिस्कस कर ही लेते हैं. ठीक है. ऐसे मैं क्या तुम मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से अन्याय नहीं करते जा रहे हो? कौन से टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. जा रहे थे. बनाएंगे इससे वाक्य जल्दी से. कल छुट्टी दीजिए, कल के बदले सैटरडे को पढ़ा दीजिए, कल फेस्टिवल है. नूरजहान चलिए बहुत बिल्कुल ट्राई करेंगे, पूरे दिल और जान से करेंगे ट्राई, अगर छुट्टी मिलती है तो. मैं टेंसेस के क्वेश्चंस निकाल रही हूँ, मीनवाइल आप इसको आंसर कीजिए जल्दी से. नी ईद मुबारक हो इन एडवांस आप सभी लोगों को. चलिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत स्वागत है सभी का. वेरी गुड वेरी गुड. पिंकी कुमारी ने आंसर दिया है. देखो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो क्या हो जाएगा इसका, अपनी कॉपी पे लिख लेना. क्या तुम मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से अन्याय नहीं करते जा रहे थे? हैड यू नॉट बिन या हैडंट यू बिन भी लिख सकते थे यहाँ पे. या तो ऐसे लिखो हैडंट यू बिन या हैड यू नॉट बिन. ठीक है. Doing injustice अन्याय to me पिछले कुछ दिनों से. ठीक है. For last few days had you not been doing injustice to me for last few days ये लिखना. ठीक है.
फॉर द लास्ट फ्यू डेज भी लिख सकते थे. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. चल तो टेंसेस के क्वेश्चंस करने के लिए हो जाओ तैयार. मैं तुम्हें दिखा देती हूँ तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप, पहले तो पिन कर रही हूँ मैं. एक फन एक्सरसाइज लेकर आई हूँ टेंसेस की, क्रॉसवर्ड पजल. ठीक है, अब क्रॉसवर्ड पजल ये मत सोचो, बस फिल इन द ब्लैंक में वन वर्ड आंसर करो कि पास्ट पार्टिसिपल गो का कौन सा होगा, क्या फॉर्म होगा, बताइए. मैं टेलीग्राम ग्रुप मीनवाइल पिन कर रही हूँ. कर दिया मैंने टेलीग्राम ग्रुप पिन. जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए अभी तक किसी कारणवश, तो फटाफट से देख लीजिए. हाय, मेरा नाम निधि अरोरा है. फॉर द वंस जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता देते हैं कि अब बीपीएससी का रूल में आ गया है बदलाव. अब अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है. कमर कस लीजिए, बकल अप योर शूज, टाई अप योर नीज एंड पुल अप योर सॉक्स. ठीक है, चलिए फटाफट से अब इस तैयारी को और भी ताबड़तोड़ बनाते हैं. पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का गॉन होता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ ईट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ ईट क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ बताओ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जल्दी जल्दी से. टेलीग्राम ग्रुप मैंने अटैच कर दिया है, वेरी गुड. हेल्पिंग वर्ब के साथ बताएंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ईट तो ईटन हो जाएगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा फ्यूचर परफेक्ट में, बताएंगे एक बार जल्दी से. वेरी गुड, वेरी गुड पूजा भारती, वेरी गुड. विल हैव ईटन हो जाएगा वो. ठीक है, विल हैव ईटन. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऑफ रन इज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अलोंग विद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? ट्रेन में हूं कंचन शर्मा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है. रनिंग मान लिया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब, जल्दी से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में. वेरी गुड. सिर्फ इज रनिंग नहीं होगा, इज एम आर कुछ भी हो सकता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ स्लीप अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड खुशबू कुमारी. क्या हो जाएगा अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग तो होगा ही होगा. हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? वॉज या वर स्लीपिंग. निकिता कुमारी का बिल्कुल ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ स्विम, स्विम का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है along with helping verb. Present perfect tense में helping verbs कौन सी लगती है? Very good. लगता है has या have, साथ में लगता है swim, swam, swum. Perfect tense verb का third form swum. ठीक है, next देखेंगे. Past tense of begin, begin का past tense बताना है. Begun, very good. Past tense, गलत है, begun वालों गलत है. V2 लगाना था, V2 होता है began. Begin, began, begun होता है. ठीक है? और स्वीति ने बहुत अच्छे से बोला, या फिर did के साथ
बिगिन भी लगा सकते थे, दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे. वेरी गुड. नेक्स्ट देखेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ स्टडी. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ स्टडी, बताइए क्या लगाएंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ स्टडी. विल शॉल स्टडिंग. गलत गलत. निकिता गलत. कविता गलत. दीपिका ठीक है. चलिए ये हो जाएगा विल या शैल के साथ. बी स्टडिंग. विल शैल बी स्टडिंग. बी को मत भूलना ठीक है. शैल बी स्टडी नहीं होता स्वाति कुमारी, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, स्टडिंग होगा. डी वाई आई एन जी. ओके. स्टडिंग की स्पेलिंग गलत है अनुपम झा. देखिए जरा. स्टडीज भी नहीं होगा खुशी राय. सिंपल फ्यूचर में होता है. एक बात बताओ तुम लोगों को अभी टेंसेस में प्रॉब्लम है क्या, वर्ब्स में, वर्ब फॉर्म्स में, टेंसेस निकालने में? जिनको है आई रिक्वेस्ट देम कि वो मेरी फ्राइडे से क्लास अटेंड करेंगे. फ्राइडे को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया था, तो उसको नहीं छोड़ने का. बी कहाँ लगता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है बेटा. वेरी गुड कविता कुमारी. ये बताओ किसी कोई ऐसा है जो फ्राइडे से मेरी क्लास ले रहा हो और उसको समझ ना आया हो, ये बताइए ऐसा है क्या? देखो कुछ जानना है समझना है तो सर मेरा खपाना पड़ेगा. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सॉरी मैम लेट हो गया, कोई बात नहीं है, बस अपना देर आए दुरुस्त आए. बताओ कोई ऐसा है जो मेरी क्लास में फ्राइडे से और उसको समझ ना आया हो? गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं करेक्ट कर लूंगी, पर बिल्कुल ही समझ ना आया वो बताएंगे. हाँ जी बी लगाना बिल्कुल जरूरी है, आप पढ़ाएं और समझ में ना, ऐसा हो नहीं सकता. ओ माय गॉड चंदन दैट्स बिग, दैट्स ह्यूज. वर्ब में जाते हैं मैम जैसे बिगिन बिगन. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा. ऐसा कोई है जिसको मैंने यार बोलना पड़ेगा तुम्हें, अगर मुझसे पढ़ना है समझना है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा. हेलो ओके चलिए. मैम थोड़ी सी है बट रिवाइज. चले कोई बात नहीं है. तो जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है. जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है फ्राइडे से मेरी एक बार फिर से क्लास अटेंड करके देखो और मुझसे सवाल पूछो, क्योंकि अभी तो आप नहीं पूछ पा रहे हो. जब ये पूछ पा रहे हो तो पूछो ठीक है. ईएमआरएस का बैच आपका अभी जून एंड में शुरू होने वाला है ठीक है. मेरा शायद 10 जुलाई से आपका बैच शुरू होगा, तो चलो फटाफट से आप पूरा कर लेते हैं इसको पढ़ाई करके. पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ सिंग क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ सिंग. वेरी गुड. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है. सिंग सैंग संग. नेक्स्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ वर्क. वर्क 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 वर्क. जल्दी बताएंगे. हैज हैव वर्कड नहीं होगा सिक्स्थ में खुशबू कुमारी. परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है और प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज या हैव, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है साथ में तो बिन लगाओगे. बिन देखो बी लगता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में. बिन लगता है बी डब्ल्यू एन मिस्टर बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, तीनों के में ठीक है. सो हैज हैव बिन और कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा? वी वन प्लस आई एन जी. किसका? वर्किंग का. हैज या हैव बिन वर्किंग. समझे? ये था अपना सही जवाब. वर्कड नहीं होगा. चलिए बिल्कुल सही है. यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप देख लीजिएगा. आप देखेंगे फटाफट से कौन से टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट लगा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई वाज वॉकिंग होम यस्टरडे. आई विल बी गोइंग टू द स्टोर लेटर. आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क ऑलरेडी. आई एम गोइंग टू द पार्क टुमारो. प्रैक्टिस ऐसी करो कि कभी ना भूलो. वेरी गुड वेरी गुड. सिर्फ ये देखना था. Present perfect have finished. See next देखिए कौन से sentence में past continuous tense लगा है. बताओ. I will go to the party with you. I've already eaten the dinner. I was watching TV when she called here. I'm working on a project right now. Past continuous. Very good. See again. क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? I was watching TV when she called. देखो इस वाक्य की condition देखो. मैं टीवी देख रहा था जब. जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस आए और लगे व्हेन ठीक है, तो आप सिंपल पास्ट लगाओगे शी कॉल्ड ठीक है. जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस बता रही हूं.
कंडीशनल सेंटेंसेस बता रही हूं। देखो, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा हो, साथ में लगे वेन, तो उसके साथ लगेगा सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम, चंदन वॉज स्टडीइंग व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड या एंटर्ड। चंदन पढ़ रहा था जब उसका दोस्त आया या दोस्त आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो यहां तक हमें समझ में आ गई ये कंडीशन, समझ में आई? जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हो, जैसे मैं ये कर रहा था कब, अरे जब वो आया, मैं पढ़ रहा था जब वो आई, ठीक है, मैं ये काम कर रहा था जब ऐसा हुआ, तो आप सिंपल पास्ट लगाते हो उसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन से सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा है बताएंगे जरा? फ्यूचर परफेक्ट, आई एम गोइंग टू द जिम आफ्टर वर्क, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बाय देन, आई हैव नेवर बीन टू यूरोप बिफोर, या आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। फ्यूचर परफेक्ट, मैं कोई काम फ्यूचर में कर चुका हूंगा, आई विल हैव बीन स्टडीइंग नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट, अब देखो ये तो सिंपल पास्ट है, ठीक है, पहले वाला आई एम गोइंग टू द जिम आफ्टर वर्क, अब देखो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट ये फ्यूचर का काम दिखा रहे हैं। जैसे मैं आज शाम को तुमसे मिल रहा हूँ, ठीक है तो शाम की बात होना चाहिए सिंपल फ्यूचर में, बट मैं मिल रहा हूँ अभी के लिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक नियर इवेंट होता है जिसमें हम बोलते हैं आई एम डूइंग दिस, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर ये नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। या तो आप ये चुन लोगे अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहा, तो वैसे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था तब जाके ये सही होता, पर अगर फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ है तो नन, ठीक है, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बाय देन, मैं तब तक 2 घंटे के लिए पढ़ चुका हूंगा, ऐसे कह रहा, समझ गए ना आप ये बात? पर यहाँ मुझे समझ में आया, ठीक है, कंडीशन बता रही हूँ किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, आई एम मीटिंग द प्रेसिडेंट टुमारो, मैं कल प्रेसिडेंट से मिल रहा हूं, है तो कल की बात, होना तो सिंपल फ्यूचर चाहिए था, बट फिर भी हम नियर फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई हमको? नन ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, बट नन ही होगा सही जवाब उसका, क्योंकि या तो क्वेश्चन में दिया होता, क्वेश्चन गलत है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया होता तो ये सही होता बी, अदरवाइज नन, समझ गए? क्या आपको कंडीशन भी समझ में आई? बताइए, नेक्स्ट सवाल पे चले। आशीष रंजन, क्या हुआ, व्हाट इज दिस नो फॉर TSSBPRT का टेलीग्राम लिंक, ठीक है, इब्तिसाम, लास्ट में एक बार रिमाइंड कर देना, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रहा है? आई वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड, आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, या आई हैव बीन टू पेरिस बिफोर, आ गया ना सी, नेक्स्ट देखिए। एक और सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, आई हैव बीन टू पेरिस बिफोर, ये कौन सा टेंस होगा वैसे आपके हिसाब से, ये कौन सा टेंस होगा, आई हैव बीन टू पेरिस बिफोर, बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि हैव लगा है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बी, वर्ब का सेकंड फॉर्म है वाज या वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है बिन, तो यहाँ पे बिन एज अ मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, इसलिए समझ गए बात हम, प्रेजेंट परफेक्ट है।
यहां से हम समझ गए हैं, जा चुका हूं पेरिस पहले। जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है बताइए। आई एम गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुनाइट, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क व्हेन ही अराइव्ड। आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, आई एम गोइंग टू टेक अ नैप आफ्टर लंच। वेरी गुड, हैव, ठीक है, हैव, हैड, पास्ट परफेक्ट, सॉरी हैड लगना था, ये बी पास्ट परफेक्ट। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क व्हेन ही अराइव्ड, एक कंडीशन बता रही हूँ इसका, बी का। यहाँ लिखा है मैं ऑलरेडी अपना काम कर चुका था, कब, जब वो आया, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है, इसके साथ आ जाए कभी भी बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऐसे करके कोई भी कंजंक्शन, तो जो दूसरा बचा हुआ फ्रेज, क्लॉज या टेंस आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। ये चीज पहले भी आ सकती है कि व्हेन आई हैड रीच्ड होम द गेस्ट्स लेफ्ट, ऐसे करके व्हेन आई हैड रीच्ड, ये पहले आ जाएगी तो भी पास्ट परफेक्ट उसके साथ आएगा और ये बाद में आएगा। तो यहां देखिए, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम कि The guests had left. Guests जा चुके थे जब हम घर पहुंचे. We reached home. ठीक है, ये लगा है मेरा V2 simple past और यहां लगा है V3 के साथ had यानी कि past perfect. ये दिखा रहा है, ये condition है. क्या हम इस condition को कभी नहीं भूलेंगे? हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आ सकते हैं, इसलिए बता रही हूं। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज बताइए जल्दी जल्दी से। मतलब कुछ एक्सेप्शंस है सेंटेंसेस में जो आपको एक दूसरे के साथ दिखेंगे, कोई कंजंक्शन के साथ, कोई अलग, जैसे यहाँ व्हेन लगा था तो यहाँ पे भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंपल पास्ट लगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम नियर इवेंट को भी दिखा सकते हैं, कल वाले इवेंट को भी, नियर फ्यूचर को। पास्ट परफेक्ट के साथ अगर कोई कंजंक्शन आ जाए तो सिंपल पास्ट पे खत्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट, आई एम गोइंग टू द मूवीज विद माई फ्रेंड्स टुनाइट, आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, या आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। Very good, very good. I will be sleeping. See. Next, देखिए. Past simple tense बताएंगे. I am going to the gym tomorrow. I had a sandwich for lunch today. I will finish my work before the deadline. Yeah, I have been studying all morning. Past simple. कहीं लगा है past simple? मुझे तो नहीं दिख रहा. कहाँ दिख रहा है आपको सिंपल पास्ट? मुझे तो नहीं दिख रहा। आई एड नहीं, पास्ट परफेक्ट होगा वो तो। वरना तो नन है, कुछ भी चूज कर लोगे क्या? नन भी बता दिया करो कभी, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भी ऑप्शंस दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर गलत हुआ तो सवाल। पास्ट सिंपल की एक बात बताती हूँ, सिंपल पास्ट अगर ओल्ड हैबिट की बात करें तो आप वॉज या वर लगा सकते हो, तब आप वॉज लगा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन
आई वॉज अ चाइल्ड, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था। सिंपल पास्ट है ये नहीं बोलोगे मैम वॉज लगा है तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्डिंग होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, नहीं, सिंपल पास्ट है। आई यूज टू ईट सैंड, ठीक है, आई यूज टू, मैं ऐसा करा करता था, ये हैबिट है, ठीक है। एक और चीज बता रही हूँ, समझ गए बात हम, बोलो बोलो बोलो। अगर मैं बोलू इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसे ही लिखा जाता है। कंडीशन ये कहता है कि अगर आप इफ लगाओ तो इसका मतलब है, अगर इसका मतलब है कोई भी चीज इमेजिनरी है, ठीक है। इस केस में आप आई के साथ वर लगा सकते हो, करेक्ट, आई के साथ वर तब आता है जब इमेजिनरी, अगर ऐसा होता, और वुड भी आप तब लगाते हो तो ऐसा हो जाता, तो मैं ऊंचा उड़ता। कंडीशनिंग वाला, कंडीशनिंग तो था ही नहीं बेटा, कंडीशनिंग तो था ही नहीं बेटा, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये, कि नॉर्मल से हटके और क्या सेंटेंसेस टेंसेस के रूल्स को अलग बनाते हैं, ठीक है। नंबर वन रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जब वेन लग जाए तो सिंपल पास्ट लगता है, जब वो ऐसा आ रहा था तो ऐसा हुआ, ऐसे करके, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप फ्यूचर के इवेंट्स के लिए भी लगाते हो, अगर वो फ्यूचर पास्ट का हो तो, जैसे कल ही मैं कर रहा हूँ ये काम, तभी मैं कल ही ये मिलूंगा, ठीक है, कल ही मिलूंगा नहीं बोला मैंने, कल ही मिल रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट के साथ अगर मैं बिफोर आफ्टर या वेन जैसे कंजंक्शन लगाऊं तो सिंपल पास्ट नेक्स्ट वाक्य में लगता है, जैसे गेस्ट जा चुके थे जब हम पहुंचे, ठीक है। खैर, सिंपल पास्ट ओल्ड हैबिट्स के लिए लगता है, वाज या वर यूजुअली प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस के लिए लगता था ना, यहाँ पे जब मैं छोटा था तो पास्ट इवेंट के लिए, ओल्ड हैबिट के लिए, आदतों के लिए आप सिंपल पास्ट लगाते हैं। अब सिंपल पास्ट में ही आई के साथ हमेशा वॉज लगता था, ये हमने पढ़ा, आई के साथ वर तब लगता है जब कोई सिचुएशन इमेजिनरी हो, ठीक है, अगर मैं एनिमल होता तो मैं ये होता, ऐसे करके, समझ गए बात हम, बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ एक सिंपल फ्यूचर का बता रही हूं, ठीक है, इफ के साथ आप लगाओगे सिंपल प्रेजेंट और जो परिणाम होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा, कंडीशन है ये, ठीक है, बताती हूँ कैसे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो फ्यूचर का परिणाम कहता है कि तुम सक्सीड करोगे, सफलता मिलेगी। यू वर्क हार्ड V1 सिंपल प्रेजेंट है, पर यहाँ विल के साथ V1 लगा है, विल प्लस V1 सिंपल फ्यूचर है, समझ गए, बोलो क्लियर है। बस ये लास्ट ही था, इतना ही रूल पढ़ना। ये बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है, आई प्लेड बास्केटबॉल विद माय फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड, जल्दी बताओ, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करूंगी। और आज इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं, जश्न ईद मना रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास में हमारे पास कम से कम 200 बच्चे होते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए थे ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या हो गया ये, आई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस,
आई हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम्स ऑल वीक. पूरे हफ्ते में एग्जाम्स के लिए पढ़ता हुआ आ रहा था या आ रहा हूँ. राइट, चलिए कौन से सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस दिया गया है. आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो. आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट. आई विल बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट ईयर. आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी. ये जो कंडीशन था ना, ये दोनों के लिए था. ठीक है, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं. तो क्या बनेगा अब? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो गया ना. अब देखो ये कौन सा टेंस है. आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो, ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर, ये सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ठीक है, फ्यूचर सिंपल तो होगा नहीं, फ्यूचर सिंपल बताना था हमें, तो ये तो होगा नहीं. आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट, ये मैंने किया था, पास्ट परफेक्ट है ये तो. आई विल बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज नेक्स्ट ईयर. आई विल बी ग्रेजुएटिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है. आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो नन. खुशबू कुमारी का ठीक था, पूजा भारती का ठीक था, इब्तेसम अंजुम का ठीक था, आरती का भी ठीक है, बाकी बहुत कम स्टूडेंट्स का ठीक था. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिया जाता मैं क्लियर कर लेती क्लिक, बट अभी नहीं. कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है? Past perfect continuous tense. I'm going to the gym after work. I had been studying for 3 hours when she called. I will finish my project by the end of the day. Yeah, I have never been to Japan before. देखो भाई, तुम्हें मैं ये हैंड आउट दूंगी. हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो. जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, उनके लिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ. पर रिलाई वो करोगे जो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें समझाया, उसी फैक्ट्स पर. कहीं डाउट होता है मुझसे आके पूछोगे, अपनी कहानी नहीं लगानी है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं अर्पणा, आप बताओ तो सही, दिमाग लगाओ तो सही, बाद में देंगे भी, वैसे भी ऑप्शंस देंगे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, बी ऑप्शन सही है. ठीक है, चलिए आप कुछ 5 क्वेश्चंस इस टाइप के करो. इफ ही डैश टू बेड अर्लियर, ही डैश बेटर इन द मॉर्निंग. सॉरी, आंसर दिया हुआ है यहाँ तो. वैसे ये आंसर गलत है. मैंने तुम्हें जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग बताओ, इसको कॉपी मत करो. मैंने जो कंडीशन बताई थी वो बताओ. ये आंसर गलत है, अब बताओ क्या लगेगा. वेरी गुड. अगर वो पहले ही सोने चला जाता है उसे अच्छा फील होगा सुबह. इफ ही गोज टू बेड अर्लियर ही विल फील बेटर. सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही जवाब होना चाहिए, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है. ठीक है, चलिए इसी के जैसे बताओ. इफ यू डैश द बस यू डैश वॉक होम, इफ यू मिस यू हैव टू, इफ यू मिस यू विल हैव टू, इफ यू मिस्ड यू वुड हैव टू, या इफ यू मिस्ड यू विल हैव टू. इफ यू, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, विल. इफ यू मिस द बस यू विल हैव टू वॉक होम. ठीक है, इन्होंने जो कंडीशन है वो गलत दी हुई है. ठीक है, इनका कंडीशनल सेंटेंस का अलग मतलब था, आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो अलग मतलब है. तो इसमें जो आंसर्स है वेरी कर रहे हैं, इसलिए चलिए यहाँ पे सिर्फ इफ इफ ही लगा दिया. ये देखो, अच्छा ये तो सब हम कर चुके हैं. ठीक है,
आई थिंक टेंसेस आपको काफी हद तक क्लियर हो गया है. ये एक हैंड आउट है जो मैं आपको दे देती, पर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी पहले तो वॉइस. कंडीशनल में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार उसको रिवाइज करके आएंगे रूल्स को, ठीक है? उस पे आधारित मैं आगे भी क्वेश्चंस करवा दूंगी, पर ये मान के चलना कि टेंसेस जो सिंपल प्रकार के है ना, वो एक आधार है आपके वॉइस के लिए, ठीक है? सिंपल प्रकार के सिर्फ टेंसेस, आपको इसके अलावा टेंसेस नहीं पढ़ने, समझे? मतलब जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो आधार नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस का, लेकिन सिंपल टेंसेस के जो रूल्स हैं जितने भी सारे 12 रूल्स, वो सारे के सारे आपके काम आएंगे वॉइस में. तो क्या जो सिंपल थे वो हमारे हो गए, और एक बार प्रैक्टिस और करेंगे स्विति, कल मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, शुरुआत में हम प्रैक्टिस करवा देंगे, क्या कहते हो? इज दैट अ डील? अब नेक्स्ट क्लास में नहीं यार, आज ही पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत प्यारी इंट्रोडक्शन दूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ गेम खिलवाऊंगी, और इतने अच्छे से तरीके से पढ़ाऊंगी जिन्होंने मिस कर दी क्लास वो रिग्रेट करेंगे कि हम इस क्लास में क्यों नहीं है, ठीक है? पक्का आपका एग्जाम पास है, इसीलिए मैं आप लोगों की चिंता कर रही हूँ, और मैं बोझ बिल्कुल नहीं डालना चाह रही हूँ. मैं चाह रही हूँ बस आप मजे मजे में बातों बातों में पढ़ाई कर लो मेरे साथ गेम्स खेल के. वेरी गुड, ज्योति मिश्रा ने मेरी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करी है. सुनो, वॉइस ये कोई आवाज नहीं है जो बंद कमरे में अंधेरे में आती है और हमें डराती है. इस वॉइस का नाम होता है चुगली, चुगलखोरों वाली हरकत, ठीक है? पर खैर, चुगली तो नारेशन में भी होती है, यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे वो जो शादी में फूफड़ और मासड़ नहीं होते, जो बात बात पे रूस जाते हैं, जिनको लगता है कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, नहीं हम खुद से काम नहीं करेंगे, पर ये कहना ये चाहते हैं कि हमसे काम करवाया जाएगा, किसी को हमें कहना पड़ेगा तब हमसे काम करवाया जाएगा, बट हम खुद से काम नहीं करेंगे, ये वो वाला वॉइस है. अच्छा ये बताओ मुझे, अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तो एक वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? थैंक यू कृष्णा, क्या होता है बताइए? फर्स्ट टाइम वॉइस पढ़ रहे हो तो ये आपका आखिरी बार होगा जब आप वॉइस पढ़ रहे होगे, और आप कभी नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस यू दैट. वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये जो हम पढ़ते थे ना आज तक, खास बात ये है कि हम एक्टिव वॉइस में पढ़ते थे, ठीक है? वॉइस के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक होता है अपना एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है? जो एक्टिव वॉइस होता है वो हमारा एक्शन डूअर है, ठीक है? एक्शन डूअर या परफॉर्मर जो कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता ने कुछ कार्य करा, उसका फल कर्म पर पड़ गया. और पैसिव वॉइस थोड़ा सा अलग है, कह रहा है मैं एक्शन डूअर नहीं हूं, मैं एक्शन रिसीव करूंगा, मैं खुद से काम नहीं करूंगा, मेरे द्वारा काम करवाया जाएगा, कोई मुझे आके बोलेगा, ठीक है? जैसे आप सोचते होगे, एक होता है एक्टिव लर्नर, द्रोणाचार्य की कहानी देख लो, ठीक है? तो द्रोणाचार्य अपने शिष्य ने अपने शिष्य को पढ़ाया, कौन थे उनके शिष्य बताइए? सिखाया, पूरी शिक्षा दी, पर पीछे से बैठ के कौन सुन रहे थे? एकलव्य, है ना? तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया तीर चलाना, पर बिना सुने भी सुन किसने लिया? एकलव्य ने, छुप छुप के, और उनसे भी ज्यादा धुरंधर बन गए एकलव्य. जब गुरु दक्षिणा मांगी तो अपना अंगूठा लाके दे दिया ताकि वो तीर ही ना चला सके, है ना? तो जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन, वो एक्टिव
एक्टिव वॉइस में थे, एक्टिवली सुन रहे थे, और जो पीछे से चुपचाप से ना चाहते हुए भी सुन रहा था वो पैसिवली सुन रहे थे एकलव्य। उन्होंने काम नहीं किया, उनसे करवाया गया, अंगूठा दिया गया। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं। कान को हम ऐसे नहीं पकड़ रहे, ऐसे पकड़ रहे हैं। अब एग्जाम में क्या कहा जाता है, ऐसे को ऐसे पकड़ना सिखाओ। ठीक है, क्यों वाक्य को अलंकृत करो, आभूषित करो, उसे सज्जित करो, तो क्या करना है, इसको ऐसे कर दो। तो कुछ चेंजेस होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस का अब रूल जो है ना, हम और आप मिलकर फाइंड आउट करेंगे कि क्या रूल है, किस प्रकार से ये रूल बनता है, क्या चेंजेस होंगे इसके, कि मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या लगते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या लगते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो क्या करते हैं, इस साइड पहले तो कुछ रूल भी बनाते हैं जिससे हम कन्वर्जन सीख सकें, और यहां देखते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस को। ठीक है, सबसे पहला रूल देखेंगे जरा। सबसे पहला रूल जो एक्टिव वॉइस में होता था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले रूल में जो पैसिव वॉइस होगा अपना, उसमें हम यूज करेंगे एक्स रूल। नहीं, वो वाला रूल नहीं जिसकी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, वो वाले एक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये एक्स रूल है अदला बदली वाला। जब एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बनता है तो अदला बदली हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट बिकम्स योर सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। बोलो, ये बात क्लियर है? ठीक है, सब्जेक्ट बिकम्स माय ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स माय सब्जेक्ट, दूसरा रूल। दूसरे रूल के तहत मैं हमेशा हमेशा एक्टिव वॉइस में जो है वर्ब्स लगाऊंगी, पर हेल्पिंग वर्ब शायद ना भी लगाऊं। जैसे एक वाक्य देखो, शी डांसेस, ठीक है, या दे प्लेड। हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगता ना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बहुत जगह नहीं लगता। I sing नहीं लगाया, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये चीज अभी के लिए गांठ बांध लो। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब आपने एक्सचेंज करा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगा, ऑलवेज हमेशा लगेगा। ठीक है, कुछ लगेगा, बताऊंगी वो क्या लगेगा। रूल नंबर 3, चार ही रूल है बस इसके। जो अपना एक्टिव वॉइस है ना बेटा, उसमें वर्ब्स हमेशा चेंज होती रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होगा ना मेरा, उसमें ऑब्जेक्ट साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, साथ में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑलवेज, सॉरी, हमेशा लगाऊंगी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें, लगेगा ही लगेगा, और कुछ लगे ना लगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ, देखो ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ाया, तो इस तरीके को ध्यान से समझेंगे। लास्ट रूल है अपना, एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसिव वॉइस में आप हमेशा एक काम करोगे, आपने अदला बदली करी, आपने हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरीली लगाया, आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई,
एक बाय स्टैंडर लगाओगे, बाय यानी के द्वारा, कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे, हमारे द्वारा काम करवाया जाएगा, वो है ये हमारे द्वारा। ये एक प्रेपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के द्वारा, ठीक है। और ये कैसे लगता है? ये लगेगा 90% केसेस में, जहां नहीं लगेगा वो बता दिया जाएगा आपको। ये रूल से, पहला रूल अदला बदली कर ली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब पक्का पक्का लगाया, तीसरा रूल में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी पैसिव वॉइस में, चौथे रूल में हमेशा बाय आएगा 90% केसेस में, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा रूल बना वो बना ये, इसका जो रूल बना वो बना ऑब्जेक्ट साथ में हेल्पिंग वर्ब साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में बाय साथ में सब्जेक्ट, इसे कह दो बाय बाय बाय। ये है आपका वॉइस का इंट्रोडक्शन। जो आपने पढ़ाई करनी है वो देखना इसमें चेंजेस, ठीक है। चेंजेस होंगे हेल्पिंग वर्ब्स में, क्या होंगे वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सब सेम ही रहेगा, चेंजेस प्रोनाउंस में भी होंगे। तो फैक्टर्स जो एक्टिव और पैसिव वॉइस को अफेक्ट करते हैं वो होगा ये, जैसे जो नाउन है वो तो इधर चला जाए सेम ही रहेगा, पर प्रोनाउन के तो केसेस अलग होते हैं ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस याद है। अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देम है, यहाँ पे दे बन जाएगा, ये है फर्क। तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है, चेंज करता है, वो है प्रोनाउंस, और वो भी प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा एंड वाइसा वर्सा। समझ गए बात? थम्स अप दे दो जल्दी से। अभी थियोरिटिकल कर रहे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू भी पढ़ेंगे। चेंज नंबर दूसरा बताओ, बात क्लियर है? चेंज नंबर दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब्स में, और ये हेल्पिंग वर्ब्स में जो चेंजेस होंगे वो होंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। क्या होंगे? टेंसेस के अकॉर्डिंग। थ्योरी पूरी बता रही हूं, कल एग्जांपल दूंगी, टेबल बनाऊंगी, ठीक है। अगर ये समझ लिया तो सब आ गया समझ में। चेंज नंबर तीसरा, इसको मैं कल बताऊंगी, ठीक है। चेंज नंबर तीसरा, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे आएगा? तो नो चेंज, ठीक है। चेंज नंबर चौथा, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड टू, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख दूंगी मैं, ये लगेगा। चलो, बहुत भर गया है हमारे जहन में। चेंज नंबर पांचवा, रिवाइज करवाऊंगी अभी से। WH फैमिली में हु के साथ कुछ लगेगा तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा बाय हूम, और ऐसे ही लग के कुछ चेंजेस आएंगे विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये याद रखना। दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, एक मिनट देना बस मुझे, बस बस बस, अब ओवर हो गया, नहीं करवा रही, ध्यान रखना। मैंने बोला रूल्स, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाना, एक्स रूल फॉलो करो, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। रूल नंबर टू,
हमेशा लगाओगे हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होता रहेगा, ठीक है, ये चेंज होता रहेगा जो यहाँ पे भी दिया हुआ है टेंसेस के अकॉर्डिंग। रूल नंबर थ्री, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये यहाँ पे चेंज होता रहेगा पर यहाँ पे सेम रहेगा पैसिव वॉइस में। रूल नंबर फोर, हमेशा बाय लगाओगे, के द्वारा। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस को? नाउन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केसेस में चेंज होंगे क्योंकि अदला बदली कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जिसको हम कल पढ़ेंगे। रूल नंबर तीसरा, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो यहाँ पे कुछ लेकर जाने के लिए है ही नहीं, इसलिए नो चेंज, एज इट इज लिखोगे। रूल नंबर चौथा, अगर वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये आप लेकर आओगे और लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर एडवाइज टू, और ये सेम लिख दोगे, सेम। रूल नंबर फाइव, अगर हु के साथ कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो पैसिव, वाक्य नहीं क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में बाय हुम के साथ क्वेश्चन को खत्म करोगे। ये चीजें आपको कितनी समझ में आई, कितनी परसेंट समझ में आई, ये बताएंगे। Tenses, conditional tenses plus voice intro handout. ठीक है, प्रैक्टिस। कल मैं आपको टेंसेस की भी करवाऊंगी, उसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की, और कल मैं वॉइस को कंप्लीट करवा के उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। बताओ कितना क्लियर हुआ? अब हैंडआउट लिए बिना तो कोई बच्चा नहीं जाएगा, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, मैं पढ़ाऊंगी उतने ही दिन, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये हैंडआउट का आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या क्या भेज चुकी हूँ, यहाँ पे मैं टेंसेस के क्वेश्चंस भेज चुकी हूँ। ये मैंने एक अच्छी सी टेबल आपके लिए देखी थी, ये देखिए टेंसेस कब कहाँ कैसे यूज होता है, सब कुछ दिया गया, एक बार इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छी टेबल मुझे लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिए शायद टेंसेस के आपके साथ, इस क्लास में और शेयर करने बाकी हैं तो वो भी कर देती हूँ। एक मिनट का टाइम देना, ये लो, ये देखो, ये क्लास के साथ हैंडआउट अटैच्ड है, मैं किसका दूंगी, जो मैंने हाथों से बनाया आपके लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये क्लास में एक तो आपके लिए ये लेकर आई हूं मैं, ये हैंडआउट, ये लो रिसीव करो फटाफट से सारे के सारे, और जो चला गया उसने लूज कर दिया फिर हैंडआउट, ठीक है। दूसरा टेंसेस के क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा ये एक टेबल आपके लिए दी थी, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा, अगर लेना चाहो तो ये आप ले सकते हैं, वो आप टाइम टेबल भी देख लीजिए। आप देखो कंपटीशन घमासान बढ़ गया है, फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करेंगे अगले साल सिलेक्शन के साथ, और इस साल पढ़ाई के साथ, ये अपना एम लेकर के चलो। हैप्पी ईद टू यू, टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, अगर आप कल क्लास अटेंड करने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो, बट आई वुड लव फॉर यू टू अटेंड द क्लास एंड एट लीस्ट वॉच आउट ऑन द रिकॉर्डेड वंस। अगर आपको ये क्लास समझ में आई, चमकी, मजा आया, एक इंटरेस्टिंग और एक अलग एस्पेक्ट और परसिवियरेंस दिखा, तो आप प्लीज इस सेशन को जो है फीडबैक देना, अपना हम्बल फीडबैक, दैट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू मी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लर्न करते रहिए। बाय बाय।